इनकी आपस में ताल्लुकात ऐसे नहीं है कि इनको खाने पीने के लिए और दुनिया ठीक मिलती लोग जिंदगी के लिए दवाई लेते हैं और बुखार मर जाते हैं, महंगी दवाई लेते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स लेते हैं और मर जाते हैं। इसलिए अल्लाह इतने मुआवजा इंसानों से बनता है और इंसानों के लिए अल्लाह ने आसाना की मालूम की है, कुछ काम करने का हुक्म दिया है और कुछ कामों से रुकने का हुक्म दिया है। कुछ काम अल्लाह ने बनाया कि करो मुआवजा अच्छा हो जाए और कुछ काम न करो तो मुआवजा अच्छा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल की यह सुन्नत है कि हर चीज को पैदा किया एक पाबंदी की मुआवजी। अब ये सुन्नत बनते गई, ये सुन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत महबूबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल ने पहले जो दो इंसान पैदा किए उनके अंदर मोहब्बत पैदा कर, उन सब पैदा कर, उनको एक दूसरे का लिबास करा दिया और उनके लिए जन्नत को सजा दिया, तैयार कर दिया और फरमाया कि अब ऐ आदम आप और आपकी औलाद जन्नत में रहे, ये तुम्हारा घर है। ये क्या है? तुम्हारा घर है। अब इसमें रहो और जब करो क्या और खाओ पियो जहां से जाते हो, जितना जाते हो, जब जाते हो तुम रहो जन्नत में और इसमें से खाओ पियो, लेकिन एक आजमाइश ये है वला अकरब सजा एक दरख्त के करीब नहीं करना। ये चीज भी हमें करीब में मिली है, एक सिर्फ नहीं है जिसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, तजस्सुस कहते हैं। पाबंदी लगा दी अब भी रहे हैं, लेकिन वही कुछ हुआ जिससे अल्लाह ने माना फरमाया था। मैं उसकी आगे जो तफसीलात उसमें नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम इंसान सदन खलकतन इस तरह क्यूरियस मुआवजे के अंदर रहते हैं जिसमें हमें आगे जाने की पड़ी होती है और हम देखते हैं जो चीजें छुप जाती हैं उनको हमें क्लोज करते हैं। ये पॉजिटिव एलिमेंट भी है और नेगेटिव एलिमेंट भी है। मैंने यह अर्ज किया कि हम देखें कि अल्लाह मरीज ने जिन आकाश से मना किया है, अगर हम वो करेंगे तो हमारा मुआवजा अच्छा नहीं होगा, हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। और ये मौसम देश से लेकर चले हुए हैं, पीछे वाली बातें शायद आपको याद होती है या नहीं, लेकिन मेरे दिल में होता है कि ये चीजें मैं पहले ध्यान कर चुका हूं, बार बार उनको रिपीट करना पड़ता है। मैंने दो तीन फिक्रे ऐसे भी बोले थे जिसमें मैंने अर्ज किया था कि हर इंसान मुआवजे के अंदर अगर अपने फराइज को अदा करना शुरू कर दे, हर इंसान अपने फराइज को अदा करना शुरू कर दे मुक्तदर, तो कोई हक मांगने वाला नहीं होगा, क्योंकि हर एक जब फर्ज अदा करेगा तो दूसरे को हक मिल जाएगा, जब उसको हक मिल जाएगा तो मुआवजा अच्छा हो जाएगा। मुआवजे के अंदर एजुकेशन नहीं होगा, मुआवजे के अंदर जज्बे और जरूर नहीं होंगे। हमारे यहाँ पर वक्ति ये हमारी है कि हम फर्ज अदा करते नहीं है और हक मांगने सड़कों पर निकल आते हैं। ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हमारे पास, मुआवजा कैसे ऐसा हो सकता है? मैं खुद अनुवाद करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह और मैं गुजरता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ और आप हर बंदा अगर उस मामले में उसका अगर पाला करा है तो यकीन वो उस तरह से गुजरे। मुझे कुछ दो पंद्रह तीन दिन पहले एक डॉक्टर साहब से टाइम लेता था। अब जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर काम करता है क्या उनसे तनखा मिलती है कि नहीं मिलती? आज हर अस्पताल में इतना बड़ा डॉक्टर सिर्फ मरीज बनाने के लिए जाते हैं और चेक अपने मरीज से करते हैं, उधर से भी तनखा लेते हैं और चेक मरीज से करते हैं। गरीब आदमी कहां जाए? मौसम कैसे अच्छा हो सकता है? कैसे डॉक्टर और मरीज के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं? हमने टाइम लिया, प्रधानमंत्री से टाइम लिया, शेख जैन हॉस्पिटल के वो डॉक्टर है, हेड डॉक्टर डिपार्टमेंट टाइम लिया, प्रेसर अनुसार राजमार्ग में क्लिनिक है, उनके रहने लिखा एक बजे वहां पर जो मरीज का नाम लिखा है। आप यकीन माने उस दिन 12 बजे तक वो डॉक्टर साहब अस्पताल नहीं पहुंचे। कितने बजे तक? और ये बात का पहुंचना था वहां 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचना था, मरीजों को चेक करना था, अपनी ड्यूटी अदा करनी थी। लाख से ज्यादा तनखा उसको महीने की मिलती है वहां से। ईमानदारी हमारे अंदर से चलेगी, कौन सा नतीजा कहता है, कौन सा डॉक्टर नतीजा है वहां?
या अपने आप को कौन से निर्मत कैसे करते हैं, तो कौन की निर्मत करनी हो तो समूह लगाकर भी की जा सकती है, रोटियां लगाकर भी की जा सकती है, क्योंकि बांटकर भी कौन की निर्मत की जा सकती है। कोई रोटियां नहीं है आज के स्कूल की, कोई तालीम नहीं दे रहे, कोई जगह बांट रहे जा सकती है और बच्चों को बर्बाद कर रहे। और अस्पताल भी, जब मैंने वहां फोन किया एक दोस्त को देखे डॉक्टर साहब आ गए ताकि मरीज ने कैसे बात जाने को इंतजार करना पड़े, उसने कहा 12 बजे तक वहां डॉक्टर साहब पहुंचे नहीं है। मैंने 1 बजे तक जाकर नाम लिखवाया, ठीक 2 बजे डॉक्टर साहब क्लिनिक पर पहुंच गए। एक बड़ी गाड़ी में ड्राइवर साहब था, वहां पहुंचे उन्होंने जाकर सबसे पहले जो काम किया वो पता क्या था, बंद हो गया नमाज पढ़ी, सब्जियां चलानी और ढाई बजे अपनी कुर्सी पर बैठ के मरीजों को चेक करना। आप मुझे बताएं जो दिया गया रख उसकी नमाज कबूल करेगा, क्या उसकी सब्जियां चलाना कबूल करेगा? हमें अपने आप को धोखा दिया हुआ है कि हम नमाजें पढ़ लेंगे सब्जियां चलाएंगे, लेकिन जो इनके हराम हमारे अंदर जा रहा है तो बगैर ड्यूटी की आप सफाई दे रहे हैं, क्या वो हमें वक्त वक्त न देगा आपको, वो हमें मसला नहीं होगा। भाई बजे 2000 रुपए पर पेशेंट फीस है, 5 मिनट में 1 मरीज चेक हो रहा है। अगर वो रोजाना 20 मरीज भी चेक करते हैं तो आप अंदाजा कर लेते हैं पैसे कमाते हैं। और अगर कोई बंदा आदमी बड़ा ये सोच के आया था ऐसे काम होते रहेंगे तो मुआवजा कर भी सुना जाता, कैसे आप चाहते हैं गुना जी को जब गुना जी बोले, जब मैंने खुद ही ठीक नहीं बना तो गुना और जो दूसरा ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई इस बात को रिपोर्ट कर सकता है अखबार में तो वजीर आला साहब से हमारे हाथ जोड़ के ये दरखास्त है, मैं कोशिश करूंगा इन शाह अखबार में मजमून में देने की, कि ये दो फैसले वो बता रही है। एक वो डॉक्टर जो किसी हॉस्पिटल से तनखा लेता है उसे प्राइवेट क्लिनिक करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, एक वो प्रोफेसर जो किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाता है उसे इनाम को किसी अकेडमी खोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना वो होटल पढ़ाते हैं और ना वो वहां पहुंच कर पढ़ाने शुरू करते हैं। बच्चे बेचारे रुक रहे, मरीज रुक रहे, मरीजों को चेक करने जा रहा है हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगी होती है, जिस डॉक्टर को 8 बजे पहुंचता है वो 11 बजे पहुंचता है। ठीक होगा मुआवजा कैसे ठीक होगा, हम कैसे कानून बना रहे हैं, जैसे मर्जी कानून बना रहे जब तक बात बहुत इलाही की जल्द से नहीं निकलेगी मुआवजा ठीक हो सकता। अल्लाह रब्बुल ने जो आकाम दिए है वो अगर उनका हाल करेंगे तो हमारे बेहतरी है और हम ठीक हो जाएंगे। और आज जिस आयत ने बड़ी आम मौजूद अल्लाह को इज्जत ने बात की है कि अगर तुम आए ईमान वाले मामले को ठीक करना चाहते हो तो फिर मेरी बात सुनो, फिर अल्लाह के आकाम को सुनो। अल्लाह ईमान वालो जो ईमान लिया, अब ईमान लाने के बाद ही कुछ काम करते हैं ना, पहले तो ईमान फ्री है, सही आजाद है, क्या है आजाद है, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जिसमें उन्होंने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिर के लिए क्या जन्नत, काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। मौलाना ने यह दुनिया बनाई या काफिर के लिए बनाई है, मोमिन को जन्नत क्यों नहीं कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कचरी फरमा दी, आपने फरमा दिया काफिर अपनी उम्र तबीयत नहीं करता, वो हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, वो मुआवजे के रसूलों को मानता नहीं है, इसलिए उसके लिए जन्नत है और मोमिन कदम घूम घूम कर रखता है इसलिए उसके लिए कैद मान। जिस कमरे में कदम कैद है उसके निकल के दूसरे में जा सकता है या अपनी मर्जी से किसी से मुलाकात कर सकता है अपनी मर्जी से, अपना खाना खा सकता है अपनी मर्जी से, नहीं फिर उसे उस कैदी की सूरत में जिंदगी गुजारनी होगी। इसलिए हजरत ने भी बताया कि जब मोमिन दुनिया से जाता है तो खुश होता है, क्या करता है असाथ हो जाता है, खुश हो जाता है, इसकी बदाओं से बात हो जाता है, इसकी पाबंदियों से बात हो जाता है। अब पाबंदी हमने कोई माननी नहीं है और वो पाबंदी अल्लाह की है, किसकी है? अल्लाह और उसके रसूल की पाबंदी है, वो हमने माननी नहीं है और हम हैं पक्के मोमिन और कहते हैं हम पक्के मोमिन हैं। करना आंखों पर इबादत अदा नहीं करने, नमाज
नमाज जरूर पढ़नी है, सख्ती जरूर करानी है, 11 मरतबा 100 मरतबा ये काम जरूर करना है, क्योंकि ये हमें किसी ने बता दिया ये काम करोगे तो खैर ही और करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह मुनज़्ज़र ने जब मोमिन हो गया इंसान को बना दिया, फिर मोमिन को अपना हाथ इलाही को मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानता तो अल्लाह मुनज़्ज़र दुनिया में सजा नहीं है कि वो दुनिया में सफल है, लेकिन वो आखिरत के लिए जब जगह और सजा को तैयार होता है, और जब इंसान की ये आंखें बंद होती हैं अंदर का ईमान भी खुल जाती है, लेकिन उस वक्त आम दुनिया का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता। और ये भी आदमी में है कि जब मोमिन दुनिया से जाता है तो जब रोते हैं उसके रवायत की तो वो बुरा बनता है, मैंने इनके साथ क्या किया है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि इस मुसीबत से निकल कर जन्नत में जा रहा हूँ, आज ही दुनिया में जा रहा हूँ। और जब बाजे पाते को बाजे जाता है तो वो रोता है, वो मरते हुए रोता है, आज हमें मरने से डर लगता है जी, उसकी वजह यह है कि हम तैयार नहीं, हमने दुनिया में दिन लगा दिया है, हम दुनिया में धस चुके हैं, इसलिए हमें डर लगता है, हमें बच्चों की फिक्र, हमें अपने कारोबार की फिक्र, अपने लोगों की फिक्र, अपने घर की फिक्र, ये हमें जब सोचते हैं तो फिर आगे जाने को दिल नहीं लगता, लेकिन जो मोमिनी पानी नीच थे वो हम अपना समान बांध के रखते थे कि हमने बस आवाज आ जाएगी और अपने महबूब के आवाज पर हम लोग बैठ करते हुए चले जाए। तो अल्लाह ने उसने बताया अगर मोमिन हो तो मारने के आसामान के हैं, कोई ग्रोह लोगों का दूसरे लोगों का बदलाव ना उड़ा, ये तो मेरा कहना हमारे बच्चे ने पाए नहीं था कि हम जिंदगी का बदलाव जुड़ा देख नहीं पाते, मेरी बात इस तरह से हम लोग आदमी के रेबानों में झांके सब इतना नहीं चाहिए, क्या कह रहा है सिर्फ तकलीफ को सुनकर इस तरह नहीं, अब अल्लाह के इज्जत ने ये हुक्म बना दिया ला यंसुर कौम मिन कौम, कोई कौम कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए। अब मुझे बताए एक हुक्म की इंटेंसिटी इतनी है जितनी अल्लाह ने बताया था आज वाला, ये दोनों हुक्मों में जो फर्क है बोले भाई, वो भी अल्लाह का हुक्म आ गया भी अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह का हुक्म कोई नर्म कोई वक्त नहीं हुआ करता, अल्लाह मुआवजे के लिए वहां हुक्म देता है, अपनी इबादत के लिए जहां हुक्म देता है मुआवजे के हुक्म के लिए, क्योंकि जब मैं किसी का मजाक उड़ाऊंगा हमारे रिलेशन हमारे ताल्लुक अच्छे नहीं है, क्योंकि मजाक का उड़ाया जाता है तो किसी को हक का समझा जाता है, घटिया समझा जाता है, कबीरा समझा जाता है, अपने से इंटीरियर समझा जाता है, तब मजाक उड़ाया जाता है, जहां उसकी कोई फिजिकल जरूरी हमारे सामने हो तो उसकी कोई जिसम में कोई कमी हो, किसी की आंख खराब है, किसी का सर खराब है, किसी का हाथ खराब है, किसी के चलने का अंदाज खराब है, कोई गुनाहों में लगता है, कुछ भी है, जब हम उसको एक साफ निशान बनाकर कोई बात करते हैं तो हम उसकी तो नहीं करते हैं, अल्लाह पर इज्जत में तस्लीम करने से मना करते हैं। और आज हम देखें कि हमारे अंदर ये आदत पाई तो नहीं जाती कि हम किसी मुसलमान घर का मजाक उड़ाते हूँ, हम किसी अंपायर का मजाक उड़ाते हूँ, किसी कॉलिंग का मजाक उड़ाते हूँ, किसी नबी के पास का मजाक उड़ाते हूँ, जो हमारे साथ रहता है उसका मजाक उड़ाते हूँ, अगर ये हमारे अंदर हानि है जिसका मतलब है जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता उसको सजा भी मिलेगी, तो कोई कौन किसी कौन का मजाक ना उड़ाए, वजह क्या है रीजन क्या है, हो सकता है कि वो कौन जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनसे बेहतर हो जो मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि नदी के पास में आता है बताए बदला पकड़ की वजह से गोलियों में होता है, दो चादरों में गंदी चादरों में मजबूत होता है, लेकिन रब के हाथ उसका इतना बड़ा महान होता है कि अगर उसके दोनों हाथ उठ जाए तो रब तारा और हाथों को उठाने नहीं होगा। अब हमारी नजर में वो क्या है, क्योंकि हम जाहिर को देखते हैं, इंसान किसको देखता है, बोले इंसान किसको देखता है, अल्लाह किसको देखता है, ये किसको देखता है, तो हम किसको सवालते हैं, जाहिर
लोगों ने मैंने सुना 365 रेस कोर्स बनाई है, जो एक से करते हैं दूसरे से नहीं करते, मरते हैं तो पता लगता है इनके तो जहां 1500 टेंट कोर्स लगते हुए हैं। गरीबों का खून पसीना चूसते उनके मंगलों को टेंट कोर्स लगते हुए हैं, क्योंकि जाहिर को तो आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हजूर बताते हैं कि अल्लाह तुम्हारे जाहिर को नहीं देखता, तुम्हारी खून को नहीं देखता, तुम्हारे आमाल को नहीं देखता, रब ये लिख लेगा कि कितना लंबा तुमने सजदा किया है, कितना लंबा तुमने क़याम किया है, रकू में क्या पढ़ते रहे हो, रब की नजर तुम्हारे दिल पर होती है और हुज्जतों को देखता है, किसको देखता है, लेकिन नमाज धोखा भी हो सकती है, किसके लिए बड़ा लोगों को फांसने के लिए, लोगों को फांसने के लिए धोखा भी हो सकती है, लोग मुझे नवाजी में मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, ये समाज करे और मैं उनको लूट लू, लेकिन हर धोखा और बात भी हो सकता है, जाकर के हर इबादत के अंदर रियाकारी हो सकती है, नमाज के अंदर हमारा बहुत पूरा माहौल में बना दी, अल्लाह जी मैं यहाँ आऊँ, ये लोग नमाजें पढ़ते हैं दिखाने के लिए, मना को नमाज करता है दिखाने के लिए, इस दाइने रखते हैं लोग दिखाने के लिए, अरे हर इबादत का एक जाहिर है और एक बातिन है, हम जाहिर करवाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, और बुजुर्ग फरमाते हैं सारा मन मन भूली है कभी नंदरों में तुम दो, हम जाहिर को बोलते हैं जाहिर से करवाते हैं अंदर नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि हो सकता है जिनका मजाक उड़ाया जाए वो उनसे बेहतर जो उनका मजाक उड़ाए अल्लाह की नजर में, पर उनके आमाल चुके हुए क्या चुके हूँ, उनके आमाल लोगों में जाहिर देना हूँ साथ देना हूँ वो किसी को दिखा देना हूँ, उनकी नमाज रब के लिए होती हो, उनकी नियत रब के लिए होती हो, और हो सकता है वो खाना भी इसलिए खाते हूँ जिसम संतुष्ट रहे अल्लाह की बात कर, फिर खाने का एक भी मकसद है, एक तो है दवा भाई विटामिन और ये चीजें नहीं खूबसूरत नजर आया है, क्या नजर आया है, चेहरे पर दुनिया ना पड़े, चेहरे पर दुनिया ऐसी इसलिए भी खाते हैं और अल्लाह के बंदे इसलिए भी खाते हैं कि ये शान आती और जाती रहे, जिसम ताकत पर रहे, मैं रब की इबादत खड़े होकर उसके दरबार में कर सकूं, मैं पूरा जिंदा जीत कर कर सकूं, अगर एक नीयत से खाना खाता रहा तो ये गिजा खाना की दबाव कर सकूं, क्योंकि रब नीयत को देखता है, रब नीयत को देखता है, और हमारे आवाज दूसरों से चुके हो सकते हैं लेकिन अल्लाह से हमारे आवाज और हमारी नीयत से चुकी नहीं हो सकती, फिर आगे खास तौर पर अल्लाह रब नीयत ने बताया बड़ा निशान में निशान है और खवातीन दूसरी खवातीन का मजा बना हुआ है, यहाँ अल्लाह ने अलग से ही हुक्म किया है, हालांकि पुराने मजीद का उसलूब यह है कि जब अल्लाह बनाता है मोमिनों उसमें खवातीन और मर्द शामिल होते हैं, हर हुक्म में शामिल होते हैं, कुछ मसाइल खवातीन के अलग है, उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवातीन को ही मुखातिब फरमाया है, उनमें मर्दों को नहीं, क्योंकि वो खास उनकी जात के साथ मुंसलिक है, लेकिन जब इतना की बात होती है ना महाराज की बात होती है तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का आदमी अल्लाह की नाम मन फरमाता है, लेकिन यहाँ आमन के बाद मर्दों का जिक्र किया और फिर औरतों का जिक्र कर वाला निकाल मिल निकाल और खवातीन दूसरी खवातीन का मजा ना होगा, अब सुन्नत ये है फितरत ये है कि ये मजाक उड़ाने का अंतर मर्दों की नस्बत खवातीन में ज्यादा है, लेकिन आजकल मेरा ख्याल फर्क पहले जब हम छोटे होते थे तो लोग कहते थे सबसे बड़ा दुख ये है कि दो खवातीन अकेली बैठ कर क्या बैठी थी चुप बैठ क्या बैठे थी, और आज मैं कहता हूं दो मर्द भी चुप रह सकते नहीं, और उनका मौजूदी खिला रीबत चुगली दूसरे का कबरी उठाना दूसरे की इज्जत को बर्बाद करना ये मंजूर हो जाएगा, और हम भी नाबंदी में कहीं उनकी बात नहीं ये होती है, जिसे इल्म को मदरसे में चले जाए, अगर दो मौलवी की बात कर रहे हो इल्म की तो मुझे दो मदरसे बुला दो, नतीजे जब मीदा मैंने खुद नहमी में नहीं है बड़े बड़े नतीजे बड़े 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 कभी दोबारा आकर जरा मैं
विचरण किया और साथ नतीजे सुनाना और दाया मुकदमा के लोगों ने हाथ दिया। ये लोगों ने चुका लिया लेकिन अल्लाह से चुकाया, अल्लाह से लिया। इसलिए खवातीन को आप ब्लेम करना ये पीछे की बात रहती है, लेकिन फिर भी हमारे प्रबंधक ने बताया कि खवातीन एक दूसरे का भला ना हो, छोटी छोटी बातों पर मजाक उड़ाती, उसने कपड़े ऐसे पहने हुए, समझ आ रही है। आजकल तो कपड़े पहनती ही नहीं, आजकल तो आप उसे बाहर चले जाए मार्ग रोड में गुरुभव की तरफ, हम लोग पर सरपदा देखे खवातीन कैसे उनकी जिंदगी नहीं चला, सिगरेट बेच रहे हैं खवातीन के मुंह में डाला हो, और आज जो अखबार में तस्वीर लगी हुई है, कल जो खवातीन हमारी माओ बहनों बेटियां हमको कहेंगे, उन्होंने जो अपनी आजादी का खवातीन का दिन मनाया है वो सड़कों पर भागने जा रही है, और जयपुर की कई मां एनजीओ उनको पैसे दे रही है, और जनवरी जो मीडिया उनको जो प्रिंट मीडिया सामने ला रहा है वो अपनी आजादी की जंग मान रोड पर कर रही है, वो अपनी आजादी आजादी की जंग में हयाई के रूप में कर रही है, जबकि अल्लाह पर इज्जत ने खातून के लिए एक कार दिया है कि चार दीवारी से भरकर अपने घर के अंदर से भरकर उसकी कोई इबादत हो सकती। और आज हम ये फैसले कर रहे हैं कि जहां 15% कोटा खवातीन के लिए मखसूस हो गया है, मुझे बताया जाए कि जिसकी मां बहन और बेटी सुबह तैयार होकर दफ्तर में जाती है, क्या दफ्तर में रहने वाले उसके कॉलेज उसकी तारीफ करते हैं या नहीं करते जी? मैडम आज आप बड़ी जी बोले बड़ी तैयारी कर रही है, माशाल्लाह ये स्कूल आपके बड़ा अच्छा लग रहा है, और यही मान और गहर खान में उसको तैयार कर रहेगा, हर रोज उसको मैडम ये कहकर दोनों के लिए भूलिया बनाकर उस ऑफिस में भेजना है, और वहां जाकर लोगों की नजरें उस पर टिकती है, कभी उसके बालों की तारीफ हो रही है, कभी उसकी आंखों की तारीफ हो रही है, कभी उसके कपड़ों की तारीफ हो रही है, कभी अच्छी लगती है, कल भी मौजाना आपने ऐसा दुर्घटना होगा कहा, आज भी हमने तो कोई अपनी मां बहन बेटी बीवी की तारीफ गैर से सुन सकता है जी बोल, लेकिन जिसके साथ खड़ी होगा उसकी बीवी दूसरे के साथ हाथ मिला दी, क्या कारण होती है बोले नहीं देखते आपके अंदर, या तो मजाक उड़ाने की बात है मना किया जा रहा है, तो यहां तो कैसे जन सड़कों पर कही जा रही थी, हमारे मीडिया ने दिखाई और कहा कि ये खवातीन अपने घरों के कैद है, इन पर जुल्म होता है, और आज हमारी एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली ने यह कानून बना दिया है कि रात के अंधेरे में अगर कोई शोहर अपनी बीवी को बुलाता है और उसके पास सख्ती करता है तो वो सुबह उठकर पानी में जाकर पर्चा दर्ज करवा सकती है, और शोहर को सजा भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो तेरी मां को इस्लामाबाद में बैठने वालों, और मौलवियों जो वहां हाथ उठाकर अपने वोट देकर अपना पैसा बना रहे हो, सुनो मेरे मुस्तफा का फरमान सुनो, और जब निजामे मुस्तफा के उजाले करने वालों तुम्हारी बेईमानी की इंतहा होती है, मेरे मुस्तफा का फरमान यह है शहर अपनी बीवी को रात को बुलाए अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अगर उसकी बीवी नहीं जाती और उसका उजर भी नहीं है तो मेरे मुस्तफा ने बनाया सारी बात गुना कर चुका है, और जहां कहा जा रहा है अगर उस पर सख्ती की गई उसे बुलाया गया उस पर यह हुआ तो जनाब उसको कैद में जाएगा, और ऐसे सच्चे भी हो चुके हैं, ऐसे सच्चे भी मुझे लोग ने बताया, रात हमने अपने उस भाई को जिसने बीवी के साथ थोड़ी सख्ती की वो थाने में चली गई, हमने उसकी बाहर से रात को जमानत करा दी, नहीं तो वो थाने में बंद हो जाती, ये कौन सा बादशाह कुश्ती दे, हम खवातीन को एम्पावर कर रहे, हम खवातीन को ताकत दे रहे, तो क्या अल्लाह के रसूल ने ताकत ले ली खवातीन को? जो काम करने वाले को पहले से देख करे ना खवातीन को विरासत का हक दे बढ़ेरे देते विरासत का हक दो, उनको अगर इज्जत का दे दौलत का हक दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी में वो हक बार है उनको हक दो, वो देना नहीं है, शादियां को अपनी बेटियों की कुरान में बात करते हो, शादियां को अपनी बच्चों में बात कर देते हो, शादियों में विधायक करते हो कि हमारी जायदाद सख्ती ना हो, और इधर उनको ताकत दे रहे हो क्योंकि ये ताकत लेने वाले की तुम्हारी जाती है, किसी गरीब आदमी की बेटी ऐसा नहीं कर सकती,
वो जनाब जाकर किसी की जीनत बने, उसके अंदर अगर उसके पास दौलत नहीं तो गैर बेईमानी मौजूद है। और जिनके पास गैर बेईमानी है, जिसके पास हया की दौलत है, तो सारी दौलतें उसके लिए काम की फोटो कर रखती है, क्योंकि उसने अपने रब और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज के मुताबिक जिंदगी। और आज हमें जब कुरान में कहता है कि दूसरे का मजाक ना उड़ाए, तो कुरान कैसे इजाजत दे सकता है कि वो सड़क पर जाकर अपने हकूक के लिए गाए, नारे लगाए, दांते नाचे और नाचते अपने आवाम अपने हकूक को मांगे। ये कौन सा मामला है? ये इंसानी और अपराधी मामला नहीं हो सकता। मुसलमान मामला क्या है? मैं कुरान जाऊं किसी को मस्जिद जल्दी में नमाज पढ़ने हजूर के पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत मिले, उसके बड़ी ताकत क्या है? जब खवातीन को मेरे मुस्तफा के पीछे जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत अगर नहीं थी, और हजूर से जब पूछा जाता कि औरतें नमाज कहाँ पढ़े, तो फरमाया नमाज अपने घर में पढ़े। कहाँ पढ़े? घर से भी अच्छा है अपनी ज्योड़ी में पढ़े, बरामदे में पढ़े, उससे भी अच्छा है अपने कमरे में पढ़े। तो जब नमाज पढ़ते हुए माँ बहन बेटी के जिस्म के पोषण को कोई न देखे, तो हक मांगते हुए गर्व पर नाचते कौन थे? ये हमारे यहां तो बड़े मसाज बन चुके हैं। वाटर इससे अच्छा नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियों की बकरियों को पानी पिलाया, सबसे कुछ पानी नहीं था। ये वाक्य बन गया। तो जब वो बच्चियां आगे चलना शुरू हो गई किसके? मूसा अलैहिस्सलाम को। तो आपने क्या फरमाया? मेरे बोलो मेरे पीछे चलो, और इज्जत है, हर चीज सुख है। जब वो गैर मन से आगे चले तो उसके जिस्म में आसान नजर आते हैं, पहली बताती और जब भी चले मन के पीछे चले। और आज क्या है? बच्चा शौकान में बैठा हुआ है और उसके आगे आगे समझ खड़ो जा रही है और वो पीछे हंस रहा है, जना पीछे मुस्कुराता हुआ जा रहा है, यानी मुआशरा बिल्कुल ही बदल चुका है। मुआशरे के अंदर ये चीजें जो ध्यान करता हूँ, पहले बड़ा सख्त मौलवी है, ये तो बड़ा सख्त मौलवी है। अरे सख्ती होगी तो इंशाल्लाह इंकलाब आएगा। सब्जी वाले गुजरना नहीं है, वरना तो फिर हम सब दोस्त के जंजीर और अजीब बनाए हुए हैं। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, वो फरमाते हैं सबसे बड़ी आजमाइश में अपनी उम्मत के लिए जो छोड़े जा रहा है वो औरत, वो क्या है? सबसे बड़ी आजमाइश। और जब वो उसकी इतना नहीं करेंगे तो फिर वो आजमाइश अपने दिल पर झूक जाएगी। इसमें अवधि पर तरकीब करना मकसूद नहीं है, मतलब उनकी तरबियत करना मकसूद है, उनको एजुकेट करना मकसूद है कि उनकी तरबियत हो, उनकी एजुकेशन हो, उन्हें अपने हकूक का, अपनी अजमत का, अपनी काम का, इज्जत का एहसास होना चाहिए, ताकि वो उस दायरे में रहते हुए काम करें। और फिर फरमाया औरतें औरतों का मुलाजमा हो रहा है, आई असाइन हकूम न कई रन लिखना हो सकता है, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो दूसरी से देखो ना, ये तो बाहर निकलती है तो ऐसे इसका तो एक बार भी नजर नहीं आ रहा, बुरी लगती है ये बातें होती है नहीं होती। तुम ध्यान जहां हो ठीक कर बाहर निकला करो, तुम तो बुरी लग के बाहर निकलती हो, कपड़े तुमने कैसे बैठे हुए हैं, जिसके साथ तो कपड़ा लगा हुआ नहीं है, ये तुम्हारे तो जिस नजर नहीं आ रहा, ऐसी बातें की जाती है जो बच्ची बेचारी शर्म हजार का फैक्टर बन के बाहर निकलती, उसे स्कूल और कॉलेज के अंदर उसकी सहेलियां खोलने टिकने नहीं देती है, और जो मेरे हजारी का नमूना बनकर निकलती है उसको बात भी देकर लेकर माशाला माँ भी करती है माशाला, इतना माशाला हमें आता है तो ये हमें नहीं पता कि माशाला किसी गुनाह के काम से बोले, माशाला किसी गुनाह के काम से बोले नहीं कहना चाहिए, वहां आपको फिरना कहना चाहिए, वह सोमा इस्तेमाल करनी चाहिए और मन करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मजाक उड़ाओ तो हो सकता है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो उनके और बेहतर का मजाक उड़ाया जाए तो अल्लाह की गैरत को वो गवाया नहीं होता। वाला कर दी तू अंत तक और अपने आप को
ऐर ना लगाओ, जिस पर इंसान हम बाद में बात करेंगे। बस दो तीन आहानी इस मौजू पर फिर मजाक उड़ाना, तमक्कुर उड़ाना, ये कितनी बुरी बात है। और किन किन बातों पर हम मजाक उड़ाते? अब देखिए, जहां आपने बयान किया जो मुकद्दरे कुरान है, ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो पड़ाव सहाबा का मजाक उड़ाया जाता है। तो करारे कौन कौन है? हजरत अम्मा, हजरत कुबा, हजरत बिलाल, हजरत सुहेब, हजरत सलमान फारसी, इनके अफवाह पर लोग मजाक उड़ाते थे। और आपको पता है कि ये सहाबा अल्लाह उसके रसूल की नजर में कितने कितने आला है। हजरत बिलाल हबशी का मकाम क्या है? लोगों की नजर में वो काले हो सकते हैं, लोगों की नजर में वो खूबसूरत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपसे चुका कि रब सूरतों को नहीं देखता, वो सूरतें जो उसने खुद बना रखी है, हर किसी की शक्ल उसने खुद बनाई है, लेकिन मकाम इतना है कि अगर किसी वजह से फजर की अजान देने से मना कर दिया जाए तो रब सूरज को कहता है तुम नहीं होना, मेरा दिमाग परेशान है, मेरा दिमाग परेशान है। मकान ये अल्लाह के नाम ये मकान मेरा बयान हो रहा है, अजान उसने करनी है, मेरे नाम को बुलंद उसने करना है। हालांकि अजान अजान होती है, जैसे हमारे जनाब पिछले दिनों पंजाब के गवर्नर साहब ने कह दिया, लोटा लोटा होता है, बात लोटा होगा, कोई कहता है डिग्री डिग्री होती है, रुजाली होगा, अदनी हो, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा है, ये क्या समाजी के कैसे लोग हैं। तो फिर मैं कहूंगा आजाद आजाद होती है, मैं कहूंगा कोई और पढ़े अगर उसमें भी अल्लाह अकबर है, उसमें भी अल्लाह अकबर है, लेकिन अपने बनाया नहीं है अल्लाह अकबर, लेकिन मेरा नाम जब तक बयान नहीं मिलेगा सूरज नहीं मिलेगा। नाम लेने में भी तो फर्क है, कोई बड़ी मोहब्बत से ले रहा है, बड़ी चाहत से ले रहा है, नाम वही है, लेकिन रब को ऐसा लगता है कि ये मेरा बंदा जब नाम लेगा तो फिर सूरज नहीं मिलेगा। मकान नहीं है, और आज हमने इन चीजों को मजाक बना दिया, बना दिया कि नहीं बना दिया, डिग्री मजाक, लोटा मजाक, हर चीज मजाक, यानी गवर्नर गवर्नर होता है, ईमान हो गया ईमान, बात तो यही है, बंदा बंदा हो गया, हाँ तो हराम का हो गया, जिन्हें बात है बहुत सी सुने वो आने भी जाएगी, बंदा बंदा होता है, बेटा बेटा होता है, बाप का हो या किसी और का हो, तुम्हारे ऊपर लागू होंगे जो ऐसी बातें करते हैं। इतनी अल्लाह ने उनको कमाना कर दिया, और हजरत इकरमा अब उजाहर के बेटे थे, मुसलमान हो गए, क्या हो गए? जंगों में शहीद हुए, जब मुसलमान हो गए तो जब मदीना आ गए तो जब वो अंसार की मजलिस के बाद से गुजरते तो लोग कहते हैं कि उजाहर का बेटा है, तो क्या बेटा है? बाप का किरदार अच्छा बेटे के लिए शर्मिंदगी का बायस था या नहीं? बोले आज बात बात चुके मुंह में आगे बात करने में रुकता नहीं, आज अगर बात की जो गलती आज के भाग में आ जाए तो ध्यान से, अगर बात बजाय गलत नहीं है अपनी उलाद के लिए, याद रखे तो बात को घर बैठ जाना चाहिए, उलाद के लिए वजह शर्मिंदगी जिंदगी में नहीं बनना चाहिए। इसलिए जब वो कहते ही अब उजाद का बेटा है तो सब हर नहीं करना ने शिकायत की, मुझे तकलीफ होती है, मुझे अब बात अगर मुसलमान नहीं था तो मेरा कसूर क्या कह रहे? मेरा तो कसूर नहीं है, वो चला गया, मारा गया, बात में जाकर हो गया, अब मुझे आज भी लाते हैं शर्मिंदगी दिलाते हैं कि ये अबू जहल का बेटा है। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा कहकर जिंदों को तकलीफ ना पहुंचा, मुर्दों को बुरा कहकर, मुर्दों को बुरा कहकर जिंदों को तकलीफ ना पहुंचाओ। तो हमें ना मुर्दों को तकलीफ पहुंचानी है ना जिंदों को तकलीफ पहुंचानी है। जब मुआवजे के अंदर हर कोई एक दूसरे का लिहाज करेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें अल्लाह के नबी से बात करना वाह।